क्या हुआ क्या हुआ? कहाँ पर कहाँ पर? अरे बाप रे, क्या साइज है नदीम भाई, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। एक बार में पूरा आदमी को निकल जाए, बहुत बड़ा। तो फाइनली आ चुके काफी हमारे मित्र वगैरह हैं और ये देखने के लिए आए क्रोकोडाइल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मगरमच्छ सामने कितना बड़ा साइज है ना, बहुत बड़ा साइज है। तो आपको कैसा लगा यहाँ पर आ गए ये बताओ। दोस्तों निकल चुके हैं हम आगे की तरफ, आप देख सकते हैं। और मौसम की बात करें तो मौसम बहुत सुहाना है दुर्गा देवी गेट से आगे का, और कंटिन्यू ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। देखिए पूरा छांव वाला पेच है यहाँ पर, बहुत कम धूप आती है दोस्तों। देखिए दोस्तों रोड पर भी तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है दोस्तों, और वैसे तो सर्दियों का मौसम है पर फिलहाल अभी धूप निकल रही है तो इसलिए ठंड की हवा, ठंडी हवा इतनी महसूस नहीं हो रही है, मगर फिर भी अच्छी हवा चल रही है। दोस्तों बहुत जल्दी हम पहुंचने वाले हैं क्रोकोडाइल पॉइंट, और काफ़ी ज़बरदस्त मूवमेंट है दोस्तों। कंटिन्यू हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं वहाँ सर, वहाँ से लोकल निवासियों के जो हमारे मित्र हैं कि आप आइए नदीम जी, यहाँ पर क्रोकोडाइल पॉइंट यहाँ पर कंटिन्यू दस्तक दे रहा है रिवर साइड। तो आपको दिखाते हैं, आप बने रहे, बहुत ज़बरदस्त ब्लॉग होने वाला है दोस्तों। इसको स्किप भी ना करें, बिल्कुल स्किप ना करें, और कंटिन्यू इसको विजिट करें आप। ये देखिए आप दोस्तों, यहाँ पर बहुत छोटी छोटी रोडें हैं और कंटिन्यू यहाँ पर मोर आ जाता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और एक बार तो दोस्तों यहाँ पर इसी जगह मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ, यहाँ पर हमें लेपर्ड दिखाई दिया था और सीधा चला गया वो अंदर जंगल की ओर। जैसे हमने अपना कैमरा ऑन करा वो तुरंत जंगल की ओर चला गया, वो जा रहा था दूसरे वाले पेज से इधर वाली साइड निकल कर। तो ऐसे दोस्तों वाइल्ड लाइफ कहीं भी मिल सकती है, तो आप इसका विशेष ध्यान दें, रास्ते में आप कहीं भी ना रुकें। अभी कुछ लोग पीछे स्कूटी खड़ी होकर खड़ी कर रुके थे और घूम रहे थे वहाँ पर, फोटो शूट कर रहे थे। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि टाइगर और लेपर्ड कहीं से भी अटैक कर सकता है। और मौसम की बात करें तो मौसम कितना सुहाना है, और व्यू चेक करिए आप, अरे वाह, पहाड़ों का व्यू तो दोस्तों हमेशा अच्छा रहता है। और बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों, गाड़ी खड़ी करके कुछ लोग खड़े होते हैं यहाँ पर, इस तरीके से ऐसा नहीं खड़ा होना चाहिए, और वो भी इन्होंने खिड़की खोल रखी है, सारी स्पीड से लाते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि सामने वाले चोटिल हो सकते हैं और आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग यहाँ पर घूमने आते हैं वो बिल्कुल विशेष ध्यान रखें। दोस्तों इधर है क्रोकोडाइल पॉइंट, अभी हम रास्ते में रुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक बार हमने ब्लॉग बनाया था यहाँ का बोन खाल का, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया दोस्तों यूट्यूब फैमिली ने, तो आप भी जाकर उसको विजिट कर सकते हैं। और ये एरिया पड़ता है बिल्कुल दोस्तों चिमटा खाल का, आगे कुछ घर भी हैं, और दोस्तों ये एरिया जाता है पूरा दुर्गा देवी गेट। तो अभी हम जाएँगे इधर वाली साइड। तो दोस्तों आप कभी भी इधर रोड पर आएँ तो आप बोन खाल ज़रूर जाएँ, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, लगा लो नैनीताल का दूसरा पार्ट है। जितनी ठंड नैनीताल के अंदर होती है ना, उससे ज़्यादा ठंड ठंड यहाँ पे आपको देखने मिलेगी, आप देख सकते हैं दोस्तों। और बोन खाल है यहाँ से 13 किलोमीटर दूर। तो चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ, दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। दोस्तों काफ़ी सब्सक्राइबर की डिमांड आ रही थी कि आप क्रोकोडाइल का जो एरिया आता है पूरा दिखाओ, तो इसलिए दोस्तों हम विजिट कर रहे हैं यहाँ का आसपास का जितना भी क्षेत्र है, और बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं क्रोकोडाइल। बाकी आप नेचर का भरपूर एंजॉय लीजिए घर बैठे बैठे। ये देखिए आप, जहाँ से भी आप हमारे दिल्ली बम्बई से ये बड़े बड़े शहरों से ब्लॉग देखते हैं, तो आप ज़रूर बताएं अपनी सिटी का नाम लिख के कि आप कहाँ कहाँ से हमारे ब्लॉग देखते हैं दोस्तों, हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। जगह जगह गाड़ियाँ रुक जाती हैं इस तरीके से, फिर फोटो शूट करते हैं दोस्तों। तो आप कभी भी क्रोकोडाइल पॉइंट आए तो सुंदर खाल से ये क्रोकोडाइल का एरिया पड़ता है 12 किलोमीटर दूर के आसपास, आप देख सकते हैं। और बहुत जल्दी हम पहुंचने वाले हैं यहाँ से क्रोकोडाइल, क्योंकि यहाँ से है मात्र 2 किलोमीटर दूर। बाकी आसपास का व्यू देख सकते हैं, नीचे की तरफ जो है वो रिवर साइड एरिया है। देखिए अच्छे अच्छे रिजोर्ट बने हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो साइटिंग होती है वो लेपर्ड की होती है, पहाड़ों पर उसको बोला जाता है पहाड़ी बाघ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। देखिए कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं दोस्तों। जैसे कि हम पहुँच चुके हैं समय नैनीताल के मौसम का मज़ा आप ले सकते हैं दोस्तों, क्रोकोडाइल पॉइंट के पास भी आकर। नई जगह है, नई प्लेस है दोस्तों, इसलिए सोचा कि हमने आपको हम दिखाने का प्रयास करें। काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी कि आप कुछ नया दिखाएँ, तो आज हम आए हैं क्रोकोडाइल पॉइंट। दोस्तों जब आप मरचुला साइड आते हैं ना, तो आपको बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर व्यू देखने मिल जाएंगे। देखिए पहाड़ी से कितना बड़ा पत्थर नीचे की साइड आया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं।
इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर लैंड स्लाइड होती है और यहाँ पर जो आते हैं कभी कभार उनकी गाड़ी के ऊपर भी पत्थर गिर जाता है, तो आप काफ़ी केयरफुल चलें। देखो जगह जगह आपको पत्थर दिखाई दे जाएंगे और बाकी आप देख सकते हैं व्यू। और इस समय दोस्तों काफ़ी टूरिस्टों का जमावड़ा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से घूमने के लिए, काफ़ी लोग यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं। आप भी आएँ और बहुत ज़बरदस्त एरिया आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। और देखो दोस्तों, देखिए आप सामने देख सकते हैं ना कितना बड़ा लैंड स्लाइड वो है नीचे की साइड, आप देख सकते हैं, ये देखिए आप दोस्तों, देखिए कितना खतरनाक जंगल दोस्तों। खास बात हो रहा है यहाँ पर, आपको जो रिजोर्ट आप घूमने आएंगे तो काफ़ी कम रेटों में यहाँ पर आपको रूम वगैरह मिल सकते हैं, क्योंकि जैसे आप जो फेमस जगह होती है जैसे नैनीताल वगैरह, तो वहाँ पर काफ़ी महंगे रूम्स वगैरह मिलते हैं। तो आप दोस्तों वहाँ ना जाके एक बार के लिए आप यहाँ भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ वाइल्ड लाइफ के साथ साथ आप नेचर का भी इंजॉय ले सकते हैं दोस्तों। और बाकी तो व्यू देखिए आप कितना अल्टीमेट है, इधर पड़ता है झूला पुल आगे की ओर दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर रामगंगा रिवर है और यहाँ पर एक रिजोर्ट भी है रामगंगा नाम से, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक रिजोर्ट का सिंपल भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर भी कुछ लोग इस तरीके से घूमते रहते हैं, अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये भी एक तरीके से कोटाई का टेरिटरी है, कहीं से भी टाइगर और लेपर्ड दस्तक दे सकता है। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं क्रोकोडाइल पॉइंट, जिसका आप सबको इंतज़ार था क्रोकोडाइल पॉइंट का, हम पहुंच चुके हैं दोस्तों फाइनली क्रोकोडाइल पॉइंट। मैं आपको दिखाता हूं बैक कैमरे से, दोस्तों आप देख सकते हैं सामने एक क्रोकोडाइल पॉइंट है और देखते हैं हमारे नसीब में आज क्रोकोडाइल है या नहीं, या आपको भी हम दिखाते हैं। तो आप बन रहे हैं हमारे साथ, काफ़ी ज़बरदस्त ब्लॉग होने वाला है दोस्तों। फाइनली हम पहुँच चुके हैं उस जगह जहाँ पर क्रोकोडाइल धूप सेकने के लिए आता है, तो हम आपको दिखाते हैं क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ। दोस्तों आ चुके हैं हम आगे की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ आसपास का व्यू कितना अल्टीमेट है। ये देखिए दोस्तों आप पानी का कलर देखिए, कितना पानी का कलर ज़बरदस्त है, बिल्कुल नीला ही नीला इस तरीके से पानी हो रहा है, ये देखिए आप। बाकी मैं आसपास की पहाड़ी दिखाता हूँ आपको, कितनी ऊँची ऊँची पहाड़ी है यहाँ पर, ये देखिए आप दोस्तों ज़बरदस्त मौसम है। देखिए दोस्तों आप सामने का आसपास का व्यू चेक कर सकते हैं, बहुत अल्टीमेट व्यू है, ये देखिए आप ज़बरदस्त माहौल है दोस्तों यहाँ पर। और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं इस समय, और देखिए पानी बिल्कुल क्लियर है, जैसे कि आप पानी पी भी सकते हैं, मगर जैसे कि यहाँ पर कुछ वन्य जीव भी रहते हैं तो हो सकता है ये पानी नुकसानदायक भी हो, तो इस तरीके से इस पानी को पीने की कोशिश ना करें। ये देखिए आप दोस्तों ज़बरदस्त मोमेंट है। बाकी चलते हैं, यहाँ पर दोस्तों एक बार क्या हुआ था कि यहाँ पर कुछ बकरियाँ पानी पीने के लिए गई थी और यहाँ पर क्रोकोडाइल बैठा था, धूप सेक रहा था, और यहाँ पर धूप सेकते सेकते उनको लगा कि लकड़ी है, और जैसे बकरी उसके पास पहुँची तो फिर अचानक से उसने उस पर हमला कर दिया और दोस्तों उसकी मौके पर मौत हो गई। ये देख सकते हैं आप क्रोकोडाइल कितना शांत जानवर होता है, वो कभी भी बिल्कुल आसानी से हमला नहीं करता और बहुत शांति के साथ हमला करता है दोस्तों। और कुछ मछलियाँ भी हैं, देखिए ऊपर से कुछ पत्थर गिर रहे हैं दोस्तों, अभी लैंड स्लाइड हुई हल्की हल्की यहाँ पर, पत्थर की तरफ नीचे कुछ पत्थर आए, देखिए आप पानी का कुछ बुवार है यहाँ पर, ये देखिए आप यहाँ पर पहाड़ी से पत्थर गिरा है दोस्तों, एक बहुत बड़ा पत्थर। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ, सर्च करते हैं यहाँ पर क्रोकोडाइल है या नहीं। क्या हुआ क्या हुआ, कहाँ पर कहाँ पर, अरे बाप रे, हाँ, अरे अरे एक मिनट, अरे वाह जबरदस्त भाई जबरदस्त, ये देखिए आप सामने में दिखाई दिया क्रोकोडाइल, और फाइनली दोस्तों हमारी मेहनत वसूल हो गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने हमारे है क्रोकोडाइल, कितना बड़ा साइज है दोस्तों आप देख सकते हैं ज़बरदस्त। हाँ दोस्तों कहते हैं ना कि जब मेहनत करते हैं तो मेहनत वसूल जरूर होती है, तो सामने रिवर साइड है आप देख सकते हैं, और जस्ट उसके बाजू में लेटा हुआ है धूप सेकता हुआ क्रोकोडाइल, कितना बड़ा साइज़ है दोस्तों आप देख सकते हैं, ये देखिए आप क्या साइज है नदीम भाई, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया, एक बार में पूरा आदमी को निकल जाए, बहुत बड़ा बहुत बड़ा साइज दोस्तों, अगर ये अपनी पर आ जाए तो पूरा आदमी एक आदमी को पूरा निकल सकता है ये, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त, और अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि आराम करा हुआ है, मगर ये आराम नहीं, इसकी आंखें हमेशा खुली रहती हैं, और जब इसके आसपास कोई वाइल्ड लाइफ जाती है कोई इंसान जाता है तो उस पर ही हमला कर देता है बिल्कुल खामोशी के साथ। तो आप कभी भी ऐसी गलती ना करें कि इसको छूने की या इसको टच करने की, क्योंकि आसपास का एरिया जो है यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा रिवर साइड एरिया है, ये देखिए दोस्तों आप सामने
फाइनली हमें दिख चुका है दोस्तों क्रोकोडाइल, काफ़ी बड़ा मगरमच्छ है और कम से कम ये मेरे हिसाब से तो 6 फीट की आसपास साइज का होगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं। बाकी मैं दिखाता हूँ आसपास का व्यू, व्यू कितना अल्टीमेट कितनी दूरी पर है हम दोस्तों उससे। और ये हम दोस्तों शूट कर रहे हैं सैमसंग अल्ट्रा 24 से, ये देखिए उसका कमाल है दोस्तों सैमसंग अल्ट्रा 24 का, बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त। दोस्तों जैसे भी आपको ये ब्लॉग लगा तो उसको आप ज़रूर विजिट करें और अच्छे से अच्छा कमेंट जरूर बताएं कि आपको क्रोकोडाइल कैसा लगा और ये ब्लॉग कितना अच्छा लगा आपको, ज़रूर कमेंट करके बताएं। फाइनली आ चुके हैं काफ़ी हमारे मित्र वगैरह हैं और ये देखने के लिए आए क्रोकोडाइल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये देखो सामने दिख रहा तुम्हें मगरमच्छ सामने कितना बड़ा साइज है ना, बहुत बड़ा साइज है। तो आपको कैसा लगा यहाँ पर आ गए बताओ, आप तो आसपास ही रहते होंगे ना या कहीं यहाँ जॉब करते हैं आप? हम के साइड। अच्छा 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 अच्छा, तो काफी दिन के बाद आपको दिखा हुआ है ना ये? ये सर्दियों के मौसम में यहीं पे लेटा रहता है क्योंकि धूप सेकने के लिए ना, आप देख सकते जहाँ पर रहते हैं। अच्छा अच्छा दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली क्रोकोडाइल सामने है, हमने आपको दिखाया अभी, बाकी आसपास का व्यू देख सकते हैं आप, वो काफी लोग यहाँ पर कंटिन्यू आ रहे हैं, ये देखिए आप सामने लोहे का पुल है, ये मरचुला को जोड़ता है दोस्तों, यहाँ से सीधा मरचुला साइड में जाते हैं। और बाकी आप व्यू चेक कर सकते हैं, व्यू कितना अल्टीमेट है आसपास का, देखिए कितनी ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ हैं। और दोस्तों फाइनली हमें दिख चुका है क्रोकोडाइल जिसका हमारे यूट्यूब फैमिली को इंतजार था, तो फाइनली हमने दोस्तों क्रोकोडाइल दिखा दिया है। बाकी आपको जैसा भी हमारा ब्लॉग लगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, बाकी आसपास का व्यू चेक कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ भी हैं जैसे कि आपको जगह जगह कहीं दिखाई भी दे रही होंगी, देखिए इधर साइड में कुछ मछलियाँ दिखाई दे रही हैं, देखिए आप सामने दोस्तों। इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ, और आपका ब्लॉग अच्छा लगा इस ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और रोजाना की तरह दोस्तों हमारा ब्लॉग अपलोड होने का समय है 7 बजे का, तो देखना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।